अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रख दें। सबसे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि शिक्षक भर्ती का आवेदन 15 तारीख तक होगा। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट बहुत ही अच्छी चल रही है, बीच बीच में समस्या आ रही है। देखिए अब लगातार समस्या नहीं बनी है, तो अगर आप लोग साइबर कैफे अब जा रहे हैं, देखिए एक बात याद रखिएगा, साइबर कैफे जाने से पहले कुछ काम आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपका फॉर्म मात्र 5 से 10 मिनट में भर जाएगा। बिल्कुल 5 से 10 मिनट, 6 मतलब 11 मिनट भी नहीं लगे। करना क्या है आपको दोस्तों, आप लोग को अपना आधार कार्ड का PDF बना लेना 100 KB के अंदर का, ठीक है। उसके बाद सीटेट का जो अप्लीकेशन फॉर्म होगा, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, अगर अपेयरिंग छात्र हैं, तो उसका दोस्तों PDF आप बना लेंगे, ठीक है। ये लिस्ट हम PDF वाली बता दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हाई स्कूल का PDF बनाना है, ग्रेजुएशन का बनाना है, DLED या BEd का बनाना है। ग्रेजुएशन का वही सर्टिफिकेट, अगर आपका जो भी डिग्री है, अगर नहीं है तो फाइनल ईयर जो भी देखिए मांग रहे वो आपको करना है। DLED में दोस्तों क्या है कि अगर आपके पास डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो भी है वो करेंगे, ठीक है। तो इतना चीज है दोस्तों, ये 5 PDF अगर आपने बना लिया 100 KB के अंदर का, तो लास्ट में दोस्तों आपका सिग्नेचर लगता है जो कि 15 KB से कम का होना चाहिए। ये दोस्तों PDF में नहीं, ये फोटो के फॉर्म होगा, JPG फॉर्म में होगा, ठीक है, 220x100 के फॉर्म में, ठीक है। इसको भी जरा देख लेंगे, बस मात्र 5 से 10 मिनट में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सीटेट एग्जाम डेट, जी हाँ, सीटेट का पेपर हमारा 20 अगस्त को होने वाला है। अगर इस परीक्षा डेट में कोई भी परिवर्तन होता है, अगर पेपर 31 अगस्त के बाद चला गया, तो ये बच्चे आवेदन के पात्र नहीं होंगे, फिर बिहार शिक्षक भर्ती में भी कोई संशोधन होगा, ठीक है। आप लोग को सोशल मीडिया के तमाम अफवाह से बच के रहना है, ठीक है। जो बच्चे आवेदन के पात्र हैं, सभी बच्चे आवेदन जरूर करिएगा, नहीं तो इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती आपके हाथ से निकल सकती है। तो तारीख बढ़ गई है, बढ़िया वाली खबर है, देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी है, पहले यह 12 जुलाई तक ही निर्धारित थी। जी हाँ दोस्तों, आपका OMR सीट कैसे होगा, देखिए एक बात आपको बता दें, पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चों को लग रहा था पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। सीटेट का पेपर जब ऑफलाइन है, इतना बड़ा एग्जाम, तो उसके बाद तो बिहार शिक्षक भर्ती है, ठीक है। पेपर आउट होने की भी कुछ सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैलेंगी, बच के रहिएगा, नहीं तो लास्ट टाइम में आप अपना पेपर खराब कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके विकल्प 5-5 विकल्प रहेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, अगर 4 विकल्प हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी जा सकती है। एक दशक से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, CM से गुहार लगाई जा रही है, देख सकते हैं भर्तियां शुरू करा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन पर आज लग सकती है मुहर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है, तैयार रहिए। अगर UP में कोई वैकेंसी आती है तो बिहार के भी छात्रों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चे पेरिंग के छात्र हैं, यहाँ पर देखिए DLED या BEd के बच्चों के लिए, अगर आप लोग का कंप्लीट नहीं है तो भी दोस्तों आप पेरिंग छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त तक आप लोग का फाइनल जो पेपर है वो हो जाना चाहिए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बच्चे सीटेट अपेयरिंग है, यहाँ पर विकल्प दिया गया, ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।